नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों ये है मेरा कोलियस का प्लांट। आप देख सकते हैं कितना रंगीन है, कितना प्यारा है और कितना घना है। अगर आप भी अपने कोलियस प्लांट को इस तरह से घना करना चाहते हैं, इस तरह से अधिक कलरफुल पत्तियों को बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको घना करने की। तो घना करने के लिए दोस्तों इसकी जो टिप होती है, ये जो ऊपर की दो पत्तियाँ होती हैं, इनको आप जो है पिंच कर दीजिए। पिंच करने से क्या होगा, जितने भी नोड पार्ट हैं सभी नोड पार्ट से जो है न्यू स्टेम निकलेंगी, न्यू शूट्स निकलेंगी और प्लांट हमारा घना होगा। तो दोस्तों प्लांट को घना करने के लिए पिंचिंग की जाती है, ना कि कोई फर्टिलाइज़र देने से प्लांट घना होता है। प्लांट को फर्टिलाइज़र देने से तो ग्रोथ होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक पत्ती के पास जो है न्यू शूट्स निकल रही है। तो अगर मैं इसकी पिंचिंग कर दूँ तो जो है फिर से ये और ज़्यादा न्यू शूट्स निकालेगा। बट मैंने सिर्फ एक बार इसकी पिंचिंग की थी, अब ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें पानी कितना देना है और इसको मैंने किस तरह की मिट्टी में लगाया था। जब मैंने दोस्तों इसकी रिपोर्टिंग की थी तो उस समय मैंने रिपोर्टिंग का वीडियो आपके साथ शेयर किया था। दोस्तों मैं जो फर्टिलाइज़र पहले एक बार दे चुका हूँ, वही फर्टिलाइज़र आज मैं फिर से दूंगा इस वीडियो को बनाते हुए आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों मैंने इसकी मिट्टी जो बनाई थी उसमें दोस्तों 50% गार्डन सोइल ली थी, 30% गोबर की सड़ी हुई खाद ली थी और 20% रिवर सैंड ऐड की थी। तो मिट्टी जो है बिल्कुल बढ़िया मिट्टी है इस तरह की, और इसका जो पोट का साइज़ है 8 इंची पोट है। इससे ज़्यादा बड़े पोट की कोई ज़रूरत नहीं है कोलियस प्लांट के लिए। अगर आप चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच बड़े पोट में लगा सकते हो। तो हम फर्टिलाइज़र देने के लिए पहले तो हम जो टॉप सॉइल है उसको लगभग 1 इंच तक जो है निकाल लेते हैं। दोस्तों मैं जो फर्टिलाइज़र दूंगा वो बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइज़र रहेगा, केमिकल फर्टिलाइज़र जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। तो लगभग दोस्तों 1 इंच की टॉप सॉइल जो है मैंने निकाल ली है। अभी आप देख सकते हैं ये है दोस्तों गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं, ये है दोस्तों वर्मी कंपोस्ट। तो इस वर्मी कंपोस्ट के लगभग हम 3 मुट्ठी जो है इसके ऊपर जो है बिछा देंगे। जो मिट्टी हमने निकाली है लगभग आधा इंच मोटी जो है लेयर हम बिछा देंगे इस वर्मी कंपोस्ट की। तो यही फर्टिलाइज़र मैंने पहले भी दिया था जो अभी मैंने निकाला है टॉप सॉइल से। तब मैंने थोड़ा कम दिया था क्योंकि तब उस समय जो प्लांट है छोटा था, अभी मैं ज़्यादा दूंगा। इसके अलावा ये जो है मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। तो ये है दोस्तों मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसे हम सरसों की खली बोलते हैं। सरसों की खली आपको जो है बड़ी आसानी से जो है मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है कोलियस प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। बट इसमें जो है हमने कैसे तैयार करना है पहले वो क्लिप देख लेते हैं, ताकि आप जो है गलती ना करें। क्योंकि मस्टर्ड केक का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। यह है दोस्तों मस्टर्ड केक, जिसे हम सरसों की खली बोलते हैं। और इतना टुकड़ा आपने लेना है और आधे से 1 लीटर पानी में आपने इतने टुकड़े को 2-3 घंटे के लिए भीगने को छोड़ देना है। लेकिन दोस्तों जितना मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है। क्योंकि दोस्तों इसका फर्टिलाइज़र देने से जो है फंगस वगैरह पनप जाता है कई बार मिट्टी में। तो मिट्टी में फंगस वगैरह ना लगे इसके लिए हमें जो है किसी भी तरह का कोई भी कंपनी का जो है आप फंगीसाइड लीजिए, और लगभग आधा ग्राम या फिर 1 ग्राम के लगभग उस फंगीसाइड को आप इस पानी में ऐड कर दीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो क्या करें? तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज़ ना करें। आप सिर्फ गोबर की सड़ी हुई खाद का यूज कीजिए या फिर वर्मी कंपोस्ट का यूज कीजिए। और वैसे भी दोस्तों इंसान गलतियों से ही सीखता है। मैंने जो गलती की वो गलती आप ना करें, इसलिए मैं जो हूँ आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो उसमें जो है किसी भी कंपनी का फंगीसाइड पाउडर हल्का सा थोड़ा सा जो ज़रूर ऐड कर लें, ताकि फंगस वगैरह क्रिएट ना हो। क्योंकि दोस्तों मैंने पहले कई बार जो है मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स में यूज़ किया तो पहले तो अच्छा रिजल्ट मिला, लेकिन बाद में जो है मिट्टी में फंगस आ गया। तो इस वजह से फंगीसाइड पाउडर का जो है यूज़ करना ज़रूरी है। तो लोगों का दोस्तों 2 घंटे के बाद हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है और इसे हम जो है अब मिट्टी में ऐड कर देंगे। लेकिन आप कोशिश करें छान कर ही ऐड करें, या फिर जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा मस्टर्ड केक रह जाए उसे आप मिट्टी में ना ऐड करें, क्योंकि उसी की वजह से जो है फंगस वगैरह मिट्टी में पनप जाता है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र देने के बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी केयर की, कि हमें किस तरह की इसकी केयर करनी चाहिए। तो दोस्तों अभी जैसे कि सर्दी चल रही है, नवंबर दिसंबर का महीना है, तो आप जो है जनवरी महीने तक आप चाहो तो इसको फुल सनलाइट वाली जगह पर भी रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दिसंबर जनवरी महीने में जो है काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है और धूप बहुत कम निकलती है। और जब फरवरी के लास्ट में आप जो हैं या फिर मार्च महीने में आप इसको ऐसी जगह पर रख सकते हैं यहाँ पर 1-1.5 घंटे की धूप आती हो मॉर्निंग टाइम की, उसके बाद दिन भर जो है छाया रहती हो। और अगर जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगे मार्च महीने में, तब आपने जो इसको पूरी तरह से जो है शेड वाली जगह पर रखनी है जहाँ पर ब्राइट लाइट आती हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।